हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। लास्ट वाला एपिसोड जिसने भी नहीं देखा है तो यार वो वाला एपिसोड जरूर से देखना। मैं थोड़ा सा रिकैप भी दे देता हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आ रही है, वो लास्ट में बताऊंगा कि क्यों आ रही है। सो लास्ट वाले वीडियो में ना हमने चुराई हुई थी ये खतरनाक वाली मिलिट्री टैंक, जो कि थी मिलिट्री की। और मिलिट्री की टैंक होगी तो मिलिट्री की होगी, ऑब्वियसली मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मिलिट्री की टैंक जो थी हमने उसको फाइनली चुरा लिया था। चुराने के बाद हम लोगों को लेके जाना था उसको एक लोकेशन में। वहाँ पे मिलेगा एक हमारा दोस्त, मैं ही बोल सकते हो, उसको दुश्मन भी बोल सकते हो। वो गाड़ी को उस दुश्मन के हवाले करना पड़ेगा, यानी कि एक माफिया है जिसने हमारी कार को चोरी किया है। भाई जो हमारी सियान थी ना उसको उसने चोरी किया है, तो हम लोगों को उसको लेना है, तो उसको ये गाड़ी लुटानी पड़ेगी। मैंने तो पहले सोच लिया था कि भाई दोनों हम भी रख लेंगे, चुरा लेंगे, लेकिन 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 जो माफिया है ना भाई, माफिया ऐसे ही नहीं बना है भाई। वो बंदा हमें अलग ही लोकेशन में बुला रहा है। कार एक लोकेशन में है और हम लोगों को अलग लोकेशन में लेके जाना पड़ेगा। सो अभी ना हम लोग इस वाली ट्रक के अंदर हमारी कार को जो भी है भाई हमने सेफली अंदर रख लिया है, ताकि पुलिसों को वह कार ना दिखे, यानी कि टैंक ना दिखे। और हमारी जो लेस्टर की दोस्त है ना भाई, हैकर दोस्त, उसने लेके आया था खतरनाक वाला मोबाइल ट्रक जो कि है लेस्टर का भाई। सो वो वाली ट्रैक में लेके हम लोग जा रहे हैं भाई साहब, खतरनाक वाली स्पीड में लेके जा रहा हूँ इस वाले ट्रक को भाई। मेरे को लेके जाना है एक गांव है, यानी कि सैंडी शोर। वहाँ पे ना एक प्राइवेट हैंगर बोल सकते हो उसको, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अभी हम लोगों को बस इतना फ़ोन आया था कि भाई तुम लेके आओ, और लेके आने के बाद हम लोग तुम्हें फ़ोन करेंगे, तब लेके आना गाड़ी को। सो अभी हम ना उस वाले लोकेशन के नज़दीक नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कदों भी फ़ोन नहीं आया है। लेट्स सी कि कब तक आता है फ़ोन। जैसे ही फ़ोन आएगा भाई हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा। मैं इतनी बड़ी खतरनाक वाली ट्रक को लेके आके बीच में रोक देता हूँ यहाँ पे। भाई साहब एक्सीडेंट होते होते बच चुका है, साइड में डाल चुका हूँ। साइड में डाल के इनके फ़ोन का वेट करते हैं, माफिया का। जैसे ही फ़ोन आएगा भाई हम लोग वहाँ पे लेके जाएंगे। अभी ना यहाँ पे वेट इतना कर करके थक गए थे ना भाई, पूरा सुस्त हो चुका था भाई मैं वेट कर करके। सो वेट करने के बाद मैं यहीं पे सो गया था। उसके बाद रात हो गई थी, तो भाई हमें आ चुका था कॉल उस माफिया का भाई। उस माफिया को लेके जाके हम लोग ये वाली ट्रक को सौंप देंगे, यानी कि टैंक को। उसके बाद हमें मिल जाएगी हमारी प्यारी सियान भाई। सियान मतलब भाई साहब वो मेरी फेवरेट कार है, इसलिए मैं कभी भी किसी को देता नहीं हूँ। वो कि एक चोरी की है जो कि मैंने टेक्नो गेमर से चुराई हुई थी। लेकिन लेकिन भाई गाड़ी अपन की है भाई, अभी वो फ्रैंकलिन की बन चुकी है गाड़ी। भाई साहब क्या ही खतरनाक वाला यहाँ पे रेस दे रहा हो ना भाई, जो मिट्टी उड़ रही है भाई, अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है मेरे को उस वाली मिट्टी को उड़ाने के लिए। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं माफिया के भेजे हुए लोकेशन में। उस वाली ट्रक को भी मैंने यहाँ पे उतार लिया था भाई साहब। देख लो यहाँ पे अंधेरा है, वरना मैं चला के दिखाता। दिल कर रहा है कि भाई वो वाली टैंक में बैठे हैं सबको जला के लेके चला जाऊँ, लेकिन हमारी कार जो है ना इसके पास ही है। इसने अभी तक हमें लोकेशन भी नहीं दिया है और ना ही वो गाड़ी हमें डिलीवर किया है। सो अभी ना यहाँ पे मैंने जो भी था बात कर लिया है माफिया को, और इसने बोला कि तुम जले जाओ, तुम्हारी कार जो है ना तुम्हारे घर पे पहुँच जाएगी बोला है। लेट्स सी कि कौन ला के देता है कौन नहीं। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन रात हो चुकी है, लॉस सैंटोस पे अभी जाना अच्छा नहीं था ऑप्शन, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई, और फ्यूल भी ख़त्म था इस वाली ट्रक के अंदर, तो हमने यहीं पे सैंडी शोर पे रुकने का हमने प्लान किया है। मैं और लेस्टर की फ्रेंड, यानी कि कुछ नाम है भाई उसका, कुछ नताशा या कुछ तो नाशा, कुछ तो है भाई, नताशा समझ लेंगे आज से हम लोग। उसका नाम होगा आज से नताशा, हमें तो नहीं पता उसका एग्जैक्टली नाम क्या है, हम लोग रखेंगे उसका नाम नताशा। सो अभी ना मैं जा रहा हूँ नताशा के साथ यहाँ पे एक खतरनाक वाली विलेज के पास, ताकि मेरे को फ्यूल भी दलाना है। उसके बाद वहीं पे एक कमरा है, तो भाई वो एक रूम ले लेगी, हम लोग एक रूम ले लेंगे, जाके सो जाएंगे भाई। भाई साहब यहाँ पे सामने से एक गाड़ी आ रही थी,
भाई जो टक्कर दिया है भाई 8:30 में, भाई उसकी गाड़ी चिंदी हो गई है भाई अभी, और क्या ही खतरनाक चला रहा है भाई आजकल आपका भाई ट्रक, एकदम खतरनाक वाला ट्रक ड्राइवर बन चुका है भाई। गूगल मैप में तो इधर ही दिखाया था, लेकिन मैंने गूगल मैप की जगह एप्पल मैप यूज़ कर रहा था, तो शायद से इसलिए यह गलत दिखा रहा होगा। अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे एक खतरनाक वाले पेट्रोल बंक, खतरनाक वाला नहीं भाई, नॉर्मल सा एक पेट्रोल बंक है, यहाँ पे फ्यूल डला लेंगे। मैं गाड़ी में ही सो जाऊंगा ट्रक के अंदर, क्योंकि इसमें सोने की जगह है, उसको मैं बोल देता हूँ कि भाई तुम अंदर जाके सो जाओ बोल के। लेकिन हमारी ट्रक में ना एक खतरनाक वाली कैबिन है, तो उसने बोला कि भाई तुम ऊपर सो जाओ, हम लोग नीचे सो जाएंगे बोल के। सो हमने पैसे बचाए भाई, लॉस सेंटर्स के अंदर आप भी ऐसे बचा सकते हो। सो अभी शोरूम को निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से, भाई साहब इतनी सुबह सुबह हम लोग निकल रहे ना भाई, क्या ही खतरनाक वाला मज़ा आ रहा था। अभी हम लोग नियर बाय हमारे शोरूम के पास आ चुके हैं, भाई साहब क्या ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ है भाई, भाई क्या बोलूँ मैं, ये लोग मेरे मुंह के सामने ही आते भाई। मैं चाहता हूँ कि भाई एक भी गाड़ी को टच ना किए बिना जाऊँ, लेकिन ये मानते ही नहीं है भाई, हमेशा मेरे मुँह के सामने ही आते हैं भाई। मॉर्निंग निकले थे हम लोग 6:30 या 6 बजे, आते आते यहाँ पे 7 बज चुके हैं, और हमने लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि भाई लमर को और जो भी हमारा दोस्त था उसको हमने पैसे दिए थे, तो भाई उन्होंने पूरे के पूरे कार यहाँ पे ला के दे चुके हैं भाई हमें। हमारा शोरूम पूरा भर चुका है अभी भाई, क्या ही बोलूँ, हमने इतना खतरनाक सेल किया है ना। सो अभी ना ये वाली ट्रक को मैं नताशा के हाथ से दे के भेज देता हूँ, लेट सी कि वो कैसे चलाती है भाई, खतरनाक वाली हैकर के साथ ड्राइवर भी है भाई, देख लो यार। मैंने दिया उसको गाड़ी, और गाड़ी मतलब ट्रक दिया, और भगा के लेके जा रही है भाई। अभी जाता हूँ मैं शोरूम में, शोरूम में मुझे कोई ना कोई कार मिल जाएगी, लेट सी कि क्या करना है क्या नहीं। और मेरे को लम्मार और मैनेजर भी बोल रहे थे कि भाई वो कहीं पे गए हैं, तो उसकी वजह से हमें कुछ गाड़ियाँ भी है डिलीवर भी करवाना है आज, जो भी हमारा ड्राइवर था वो आया नहीं है बोल के। लेट सी कि क्या करना है भाई साहब, मैनेजर तो यहीं पे है, और ये गाड़ियाँ साफ करने वाला या समझ लो या मैकेनिक भाई, ये हमेशा रिसेप्शनिस्ट के पास ही रहते हैं, और ये लोग क्यों आए मेरे को भी नहीं पता। अभी जाके मैं थोड़ा सा हमारी कैबिन को चेक कर लेता हूँ, लेट सी कि हमारे कैबिन कैसे दिख रही है। मैनेजर का अलग ही रोला चलता है भाई, गाड़ियाँ देख लो यार, बैकग्राउंड में क्या ही खतरनाक खतरनाक वाली स्पोर्ट्स गाड़ियाँ दिख रहे हैं भाई साहब। हमने इतना काम किया कि भाई रात हो चुकी है अभी मेरे को बेनी ने ऊपर ही था भाई, बेनी अभी कॉल करके बोला रहा है कि तुम ऊपर आओ बोल के। भाई मैं इधर ही बैठा हूँ भाई मॉर्निंग से, मेरे को नहीं पता कि बेनी है, लेकिन बेनी और उसका जो भी एक काम वाला है भाई, वो मैकेनिक, वो यहाँ पे काम कर रहे थे, और जो जुग्गू और डुग्गू थे वो जा चुके हैं कुछ सामान लाने के लिए। लेट्स सी कि क्या होता है, मैं ऊपर तो आ चुका हूँ भाई, यहाँ पे कोई तो एक गाड़ी आई है जिससे डेंट पड़ा है, मैकेनिक यहाँ पे कुछ तो वेल्डिंग कर रहा है, और यहाँ पे बेनी मेरे को नहीं पता कि वीडियो क्यों बना रहा है भाई, भाई बना क्यों रहा है वीडियो मेरे को सच में नहीं पता भाई, शायद से ये भी शॉर्ट वीडियोस डल रहा होगा भाई हमारे जैसे। आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेनी के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, मजाक कर रहा हूँ यार, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने के लिए। माइनक्राफ्ट की सीरीज भी आने वाली है भाई, और यहाँ पे बेनी ने आके मेरे को समझा रहा था कि यहाँ पे जो ये जो एरिया है यहाँ पे लिफ्ट डलवाने की सोच रहा है भाई, क्योंकि जो गाड़ियाँ ख़राब है वो यहाँ से लेके आने में दिक्कत हो रही है, तो इसकी वजह से उससे बोला कि भाई यहाँ पे वो डलवाने की कोशिश कर रहा है। सो मैंने बोला कि भाई तुम जो करना है करो, आपका ही समझ लो भाई शोरूम, नाम तो हमारा है, हमने पैसे किए, लेकिन तुम सब मेरे दोस्त हो। तो इसने बोला कि भाई ठीक है हम लोग कर लेंगे, लेकिन इतना ही बोला भाई, इसने काम दे दिया मेरे को। ये गाड़ी है जो कि बिजनेसमैन के बेटे की यानी कि जॉन की, जो कि हम लोगों को वो यहाँ पे पेंट वगैरह करके रिपेयर करने के लिए दिया था। लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा कि वो छपरी कलर की गाड़ी लेके आया था, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे बोल दिया था ना, तो इसकी वजह से वो ना अभी ये वाली गाड़ी को पेंट करवाने के लिए और कुछ रिपेयर करवाना था उसको, तो इसलिए मॉडिफिकेशन के दिया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी यहाँ पे ना जो भी हमारी गाड़ी थी मैंने अभी यहाँ पे सही कर रहा हूँ, उतने में ये बेनी लेके आ चुका है वो सेंटेनारियो को।
भाई साहब खतरनाक वाली गाड़ी दिखती है भाई, ये भी मेरे को एक खतरनाक वाली। लेट सी कि क्या करना है अभी यहाँ पे ना, जाके मैं गाड़ी को लोड कर लिया है। लेट सी मेरे को क्या करना है अभी। लेट्स गो गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से। वहाँ पे जाके ना मेरे को ये वाली गाड़ी जॉन को देने का सोच रहा था, लेकिन लेकिन जॉन को नहीं देना है। ये बेनी बोल रहा है कि भाई इसके शोरूम को लेके जाना है, क्योंकि इसमें कुछ किट्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं जो कि हमारे पास नहीं है। मैंने सोचा कि भाई ये जॉन को लेके जाना पड़ेगा, लेकिन जॉन की और एक गाड़ी बेनी के गैरेज में है, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा उस वाली गाड़ी को, लेकिन सेंटेनरियो को बेनी के गैरेज पे। तो उससे पहले मैं जाता हूँ मेरे घर को, ताकि थोड़ा हम लोग रेस्ट करें भाई। और मैंने एक खतरनाक वाला घर लेने का प्लान किया है, और जो मेरी आंटी रहती है ना, वही वो घर वगैरह देख रही है। लेट सी कि हम लोगों को कब तक घर मिलता है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ भाई वो उतना अच्छा एरिया नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा अभी अच्छे एरिया में जाएंगे, क्योंकि हम अच्छा खासा मोटा रकम पैसे यहाँ पे कमा रहे हैं भाई। अगर कमा रहे किस लिए भाई, हमारे लिए कमा रहे। तो भाई इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है हमारा, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अच्छी जगह जाके एक घर लेंगे। तो उससे पहले ना मैं मॉर्निंग हो रही है, तो अभी आके मैं सो जाऊंगा भाई। मैं क्या बोलूं भाई, इतना काम हो चुका है ना मेरे को लॉस सैंटोस में। भाई बिजनेसमैन हो जाते हैं ना तब ऐसे ही काम होता है। सो अभी मैंने यहाँ पे सेंटेनरियो को रोक चुका हूँ, यानी कि मेरी जो ट्रक थी उसको पार्क कर चुका हूँ। अभी जाके सो जाता हूँ भाई। यहाँ पे ना आंटी आई थिंक पूरा यहाँ पे क्लीन करने के लिए दे चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइज। भाई रात को मैं सो गया था, इतनी अच्छी नींद किया हूँ ना भाई साहब, एकदम खतरनाक वाली नींद किया हूँ रात को। अभी ना मैं जा रहा हूँ यहाँ से ये ट्रक को लेके बैनी के गैरेज पे। वहाँ से मेरे को एक खतरनाक वाली गाड़ी है बोला है, जो कि है लैम्बोर्गिनी की। लेट सी कि कौन सी है लैम्बोर्गिनी की। अभी मैं आ चुका हूँ नियर बाय बैनी के गैरेज के पास। मेरे को ये अनलोड करके वो उठा के लेके जाना पड़ेगा भाई। और गलती से मैंने यहाँ पे रॉन्ग टर्न ले लिया था। मेरे को पता था कि भाई मैं दोबारा से यू टर्न मार के भी जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई इधर से ही जाएंगे। लेट्स सी कि अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेके जाके। भाई साहब वो वाली गाड़ी देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है भाई। लेट्स सी कि वो कौन सी गाड़ी है। खतरनाक वाली तो बोला था, मेरे को भी नहीं पता कि भाई कौन सी गाड़ी है, लेकिन इतना बोला था कि भाई वो लैम्बोर्गिनी की है। लेट्स सी, अभी ना मैं यहाँ पे रिवर्स मार के आ चुका हूँ। भाई साहब लैम्बोर्गिनी की कोई तो यहाँ पे गाड़ी दिख रही है। अब ये पूरी उतनी अंदर नहीं जा सकती, तो अभी ना मैं पूरी की गाड़ी ये खड़ा के, मतलब जो भी गाड़ी मैंने लेके आया उसको पार्क करके दूसरी भी मैं लोड कर लेता हूँ, आपको तब मिलता हूँ भाई। बेनी ने डायरेक्टली बोला है कि भाई गाड़ी को ना छूना भी नहीं बोल के। सो अभी मैंने गाड़ी को जो भी था वहाँ पे उठा के रख लिया है। छूना मतलब नहीं कि भाई बाहर लेके मत जाओ बोला है, क्योंकि इतनी खतरनाक वाली मॉडिफिकेशन किया है ना, तो इसलिए भाई उसका कंसर्न बनता है, क्योंकि भाई अगर कुछ दिक्कत होगी तो दोबारा से इसको काम करना पड़ेगा। ये बाहर जाके दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। लैम्बोर्गिनी की अवेंटाडोर या तो SVJ दिख रही है भाई मेरे को लग रहा है। मेरे को भी नहीं पता कि कौन सी है, सियान तो नहीं है ये। आई थिंक जो भी है ना अवेंटाडोर ही होगी शायद। भाई पीछे का शेप जो है ना भाई साहब एकदम सियान जैसे लग रहा है, लेकिन मेरे को भी नहीं पता कि कौन सी गाड़ी है। बस मैं यहाँ पे चला के लेके जाने वाला था, बस बेनी के वजह से मैंने बोला कि भाई ठीक है अभी बेनी की भी बात सुन लेते, बल्कि मैं लोड करके लेके जा रहा हूँ। भाई इतनी अच्छी गाड़ी मैं लोड करके लेके जा रहा हूँ भाई, क्या ही खतरनाक वाला मज़ा आता अगर मैं इसको भगा के लेके जाता। सो अभी ना मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह लेके जा रहा हूँ उस वाले लोकेशन पे। भाई साहब उसका बिजनेसमैन का घर एक हिल्स एरिया पे होता है, जो कि एक पॉश एरिया है भाई। यहाँ पे पूरे अमीर लोग होते हैं। देखो ये होते हैं पुअर, ये होते हैं मिडिल क्लास, ये होते थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले। उससे जो अमीर ज़्यादा आते हैं ना यहाँ पे रहता है उसका। तो इसलिए ना अभी उसको देने के लिए आ चुका हूँ ये वाले भाई क्या बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मैं आ चुका हूँ इस वाले लोकेशन पे। भाई साहब इतने सारे बॉडीगार्ड्स भी रखा है भाई। ये बॉडीगार्ड आ रहा है मिलने के लिए भाई, ये हाथ ऐसे क्यों रख के आ रहा है मेरे को भी नहीं पता। इसको बात करता हूँ, लेट्स सी कि ये क्या बोलता है। भाई ये हाथ ऐसे करके रखा है ना। सो अभी इसको मैंने बात कर लिया इसको गाड़ी को रोकने का, तो इससे बोला कि भाई तुम ठीक है अंदर खड़ा दो, मेरे को अपडेट मिला था
जॉन भाई से बोल के, जॉन भाई बोल रहा है बंदा, वो भी सिक्योरिटी का आई थिंक कोई हेड होगा भाई। ये अलग ही लेवल के यहाँ पे ट्रैफिक मचाते हैं भाई ये लोग, देख रहे हो यार क्या ही खतरनाक वाली ओल्ड खतरनाक वाली गाड़ी दिख रही है भाई। वो भाई पुरानी वाली जो माफिया की जैसे आती है ना, वो वाली कार लेके जा रही है भाई आंटी जी शायद। भाई साहब इसके पास गाड़ियाँ तो खतरनाक वाले भाई, भाई साहब यहाँ पे ना एक बैटमैन एडिशन की भी गाड़ी दिख रही है, साथ ही साथ यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी टाजो खड़ी है भाई, पीछे कोई तो यहाँ पे एक ऑडी। भाई ये एकदम खतरनाक वाला अमीर ज्यादा है भाई ये। भाई साहब पुरानी यहाँ पे लैम्बोर्गिनी है भाई, पुरानी वाली। इसको अनलोड करता हूँ, अनलोड करने के बाद मिलता हूँ आपको। भाई साहब इसको अनलोड कर दिया है अभी मैंने। भाई इसके पास खतरनाक खतरनाक वाले गाड़ियाँ हैं भाई, एक दिन आना पड़ेगा। इसको बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारी गाड़ियों को सर्विस की ज़रूरत है, कभी वो हमारे शोरूम को दे के भेजेगा ना, तब पूरे देख लूँगा, चला के भी देखूँगा भाई। नेक्स्ट टाइम जो भी जॉन की गाड़ी आएगी ना भाई, अपन चलाएगा, चाहे उसका डेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक्स्ट्रा जुग्गू डुग्गू से काम करवा लूँगा ओवर टाइम, लेकिन गाड़ी आपका भाई चलाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अभी ना मैं जा रहा हूँ मेरे घर को। भाई साहब इतना काम हो रखा है ना भाई, मैं क्या बोलूँ यार। अभी जाता हूँ मेरे घर को, जाने के बाद मेरे को लम्बा का भी कॉल आया था कि शोरूम के पास ना कुछ लोग उसको दिक्कत दे रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। अभी जाके इसको एक बार बात करता हूँ घर पे, सुकून से उसके बात करने के बाद उसको जो भी है वो लेट सी कि क्या करना है क्या नहीं। कुछ गैंग है, कुछ नाम तो नहीं पता मेरे को, कुछ हमारे घर के पास गैंग रहती है, उसने बोला कि भाई वहाँ वाले बंदे जो है ना आके उसको हफ्ता मांग रहे, वरना वो धमकी दे रहे कि भाई शोरूम बंद करवा देंगे ये। अजी मेरा कद्दू, मेरा शोरूम बंद करवाएंगे वो? लेट सी कि वो इतने बड़े कौन है, डॉन्स में भी देखता हूँ, मेरे से बड़ा कौन है भाई डॉन यहाँ पे लॉस एंटोस में। आए भाई माफिया है ये वो है भाई, पानी नहाता हूँ भाई पहले, पानी नहाने के बाद देखेंगे मॉर्निंग में जाके। अभी सो के उठ चुका हूँ भाई साहब, गरम गरम कॉफ़ी ले चुका हूँ भाई, लेने के बाद एकदम नेक्स्ट लेवल वाली कॉफ़ी पी लेके जाएंगे भाई, क्योंकि हमने सो के उठा है फ्रेश फील होता है भाई, अमीर ज़ादों का यही है, कॉफ़ी पीना है भाई। अभी मैंने पी लिया था तो यहाँ पे लमर का वेट कर रहा था, लेट्स सी कि कब तक आता है लमर। भाई साहब ये अलग ही लेवल का बंदा है भाई, ये देख लो कोई तो यहाँ पे खतरनाक वाली गाड़ी लेके आया है भाई, कहाँ पे खड़ा है। मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, इसको थोड़ा इसको मारेंगे आज भाई, हम दोनों दोस्त हैं तो अभी इन दोनों के बीच में हमेशा ऐसे होते हैं भाई, हम मिलते ही ऐसे है मारा कुटी करके मिलते हैं भाई। देखो अभी इसने एक उसने वापस से ढकला था, अभी इसने मारा है भाई, क्योंकि भाई आपका भाई गाड़ी चलाएगा तो इसको पसंद नहीं है, तो अभी इसको बोल देता हूँ कि भाई एक मुक्के में ढेर हो गया था, उसके बाद उड़ गया था भाई, उसके बाद गाड़ी चलाने के लिए जा चुका थे तो भाई साहब गाड़ी से फिर उतर गया भाई, मेरे को भी नहीं पता क्यों। और इसने मेरे को बताया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बलैस गैंग बोल के एक जो भी गैंग है वो हमारे घर के पास ही रहती है, उसके जो भी गैंग वाले बंदे हैं ना, तो इसको शोरूम के पास आके रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर को धमकी दिए हैं कि अगर हफ्ते में एक बार उनको पैसे ना दे तो वो लोग जो भी है ना शोरूम में आके गाड़ी वगैरह चुरा लेंगे, या तो गाड़ियों को नुकसान करने का धमकी दिया है। सो अभी ना भाई धमकी भी किसको दिया है, फ्रैंकली यानी कि मेरे को दिया है। अभी ना जाके इनके गैंग मेंबर से बात करते हैं, लेट्स सी कि अगर बात में बात बन गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको पता है ना कि भाई क्या करना है। भाई साहब लम्बर लेके जाके यहाँ पे गाड़ी को कहाँ पे पार्क किया है देख लो यार, मैं क्या बोलूँ इसका। भाई पार्क करके बोल रहा है कि भाई गलती से पार्क हो गई, इसको मैंने बोला कि भाई तुम गन अंदर रखना, भाई बंदा गन रखने के लिए रेडी ही नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या इसका, हम आए बात करने के लिए, भाई बात करने के लिए रेडी नहीं है बंदा। यहाँ पे लोग डरे हुए हैं भाई, लेकिन इन डरे हुए पे मत जाना, ये एकदम नेक्स्ट लेवल वाले कमीने लोग हैं भाई, ये बलैस गैंग के। यहाँ पे देख लो यार हम लोग खतरनाक वाली मॉन्स्टर ट्रक को लेके आ चुके हैं, यहाँ पे जाके बात करता हूँ। इनके लीडर कौन है मेरे को भी नहीं पता, इनके लीडर से हम लोगों को बात करना है, अभी लीडर को बात करना है तो इनसे बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं। भाई ये शायद से इनके दोस्तों को अपडेट दे रहा है, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। अभी मैंने इसको बात किया, भाई साहब इसको भाई अकाउंट दिखा रहा है भाई मेरे को ही,
भाई साहब अकड़ दिखा रहा था, जो मैंने मारा है ना इसको गुद्दी पे भाई, वो एकदम ढेर हो गया भाई। उसके बाद यहाँ पे खतरनाक वाला भाई साहब क्या हुआ है भाई, मैं क्या बोलूँ भाई, ये कुत्ते लगी रवे है भाई। मेरे को कुत्तों को मारना नहीं है, लेकिन इनके कुत्ते भाई, इनके कुत्ते हम लोगों को काटेंगे। सभी यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे ना, इन सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मारूंगा तो ये लोग मेरे को मार देंगे भाई। मेरे को कुत्तों को नहीं मारना है, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये गेम है, गेम की तरीका इसे लेना। अभी इस क्लिप को कट करके भाई तुम लोग कहीं पे भेजना मत कि कुत्तों को मार रहा हूँ, बल्कि भाई गेम है। सो अभी ना मैं यहाँ पे जितने भी सारे लोग थे उनको मार चुका हूँ। आई डोंट सो कि यहाँ पे कोई बचा होगा, लेट सी कि भाई किसी का तो आवाज़ आ रहा है भाई, किसी को शायद कॉल करके किसी को बुला रहा है भाई साहब। ये बंदा इधर ही छुप के गाड़ियाँ भाई, ये बंदा इधर ही छुप के दूसरों को बुला रहा था भाई, शायद इनके ट्रेनिंग के बंदे होंगे पूरे भाई साहब, पूरे एक ही कलर के ड्रेस कपड़े पहन के आए हैं भाई साहब। मैं अलग ही लेवल का हंगामा करने आया हूँ यहाँ पे भाई साहब, मैं तमीज से बात करने के लिए आया था कि ताकि ताकि जो भी बात है ना भाई साहब वो सुलझाऊं, लेकिन ये अलग ही लेवल के बंदे हैं भाई, ये लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है भाई मेरी बात, तो इसलिए मैंने इनको जो ही मारा है ना भाई साहब, खतरनाक वाला पेला हूँ, खतरनाक वाला नेक्स्ट लेवल वाला पेला हूँ। अभी मेरे को जाना पड़ेगा कहीं पे छुपने के लिए भाई, इतना यहाँ पे दंगा फसाद करके जा रहा हूँ ना, लेकिन मेरे को यकीन है कि भाई ये लोग कद्दू भी कुछ नहीं जाके अभी मेरे शोरूम के पास करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि भाई मैं इनके अड्डे पे आके मर के गया हूँ, तो भाई ये लोग मेरे को अभी हल्के में तो बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन कुछ भी हो, मैं जुगुडुगु को बोल देता हूँ कि भाई वो लोग आज शोरूम के पास ही रहे, अगर कोई आके वहाँ पे उंगली करे तो मैं बोल देता हूँ कि भाई तुम लोग मार दो, बाकी का अपन देख लेगा, पुलिस केस हो मैं देख लूँगा भाई, लिस्टर है मेरे पास, तुम जो भी होगा तुम देख लो, बोल के मैं उनको अपडेट दे देता हूँ। अभी ना मैं अपने घर को नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ हमारे बेनी के गैरेज पे। सो लेट सी कि हम लोगों को क्या करना है भाई साहब। ये अलग ही गैंग है बीच में, ये ना ये गैंग में मैं पहले काम किया करता था, इसी वाले गैंग में। अभी ना ये लोग भी मेरे से जलते हैं, इनका जो लीडर है ना उसने मेरे को ऑफर दिया था, मैंने ठुकरा दिया था भाई, अपन बनेगा खुद एक खतरनाक वाला माफिया भाई, मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना। इसने बोला कि भाई तुम राइट हैंड बन के मेरा काम करना, तो मैंने भी बोल दिया कि भाई कद्दू लेने गया तुम्हारा ऑफर, हम लोग करेंगे अकेले भाई, अपुन करेगा बिजनेस, उसके साथ हम लोगों को बंदों को जमाना पड़ेगा, उसके बाद अपुन भी एक खतरनाक वाली गैंग खड़ा करेंगे भाई लॉस सेंटर्स में, आप भी देखते जाओ। अभी ना मैं यहाँ पे खतरनाक वाला एक्सीडेंट करके मॉन्स्टर ट्रक को भगाते हुए जा रहा हूँ बेनी की गैरेज पे। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, बहुत दिनों से वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी कि भाई मेरा जो वॉइस है ना वो करप्ट हो चुका था, एक पहली चीज़। उसके बाद आपको भी पता है कि भाई मेरा पहले एक वीडियो रिकॉर्ड भी हो चुका था, उसके बाद जो भी सीपीयू था वो उड़ चुका था भाई, दिक्कतें इतनी आ रही है ना आजकल, और पर्सनल लाइफ में बहुत ही दिक्कत चल रही है, और काम भी ना भाई 12-12 घंटे हो रहा है भाई ओटी एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई साहब काम बहुत ज़्यादा था। तो अभी ना मेरे को रेगुलरली वीडियोस डालना पड़ेगा, और मैं GTA 5 के साथ ही साथ क्रिकेट का तो उतना शौक नहीं है अभी डालने का, क्योंकि भाई उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, तो साथ में मैं देखूंगा कि माइनक्राफ्ट की सीरीज़ भी शुरू करूं दोबारा से, बस मेरे को टाइम मिल जाए। और आपको ये क्वालिटी कैसी लिख रही है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 16+ में रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, वो भी व्लॉग जल्दी आएगा देख लेना। तो यार चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।